नमस्कार, मैं कुशल बद्रिके। मेरी तरफ से आप सबको गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाइयां। मराठी में हम ऐसे ही चिढ़ाते हैं, गुड़ी पाड़वा नीट बोल गाड़वा। तो ई टाइम्स के सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से गुड़ी पाड़वा की बहुत 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 शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा मराठी लोगों के लिए तो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये मराठी महीना जो बोलते हैं, कैलेंडर बदलता है, चैत्र महीना का फर्स्ट डे है और उसी दिन पहला साल, मतलब साल के पहला दिन मनाया जाता है। तो ये नया साल शुरू होगा गुड़ी पाड़वा के दिन, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन से यादें बहुत जुड़ी हुई है, वो गुड़ और कड़ू लिम्बा का मिश्रण खाना पड़ता है सुबह सुबह, पूरन पोली है, फिर हम अपने घरों में वो गुड़ी उभारते हैं, अगर आप जानते हैं तो। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू सबको सबके ट्रेडिशंस और रिचुअल्स पता चल जाते हैं, तो वो गुड़ी उभारते हैं, फिर शक्कर को क्या बोलते हैं उसको, शक्कर का जो हार बनता है, बत्ताशा, वो खाने मिलता है। और सुबह सुबह रैली निकलती है, लड़कियां आजकल नौवारी पहनती है, लड़के अपना फेटा धोती ये सब पहनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे जैसे हेमांगी ने कहा कि सोशल मीडिया थ्रू अभी सब त्यौहार मिक्स हो गए, मतलब अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है कि ये मराठी त्यौहार है या किसी और का त्यौहार, सब एक साथ मिलकर ही अभी त्यौहार मनाते हैं। तो ये गुड़ी पाड़वा इम्पोर्टेंट इसलिए लगता है मुझे, क्योंकि एक तो हमारा नया साल शुरू हो जाता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, शुभ काम हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मैडनेस मचाएंगे, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है ज़िंदगी में। तो ये टाइम पे हम ऐसे बोलते कि यशाची गुड़ी उभारा, सब ऐसा बोलते, तो ये टाइम पे ये एक एडिशन है हमारे ज़िंदगी में। पुरणपोळी मतलब मराठी में पुरणपोळी आणि कटाची आमटी बोलते हैं, मतलब जो दाल होती है उसकी आमटी रहती है, तो वो अगर नहीं खाओगे आप होली को और पाड़वा को, तो फिर त्यौहार ही पूरा नहीं होता। नहीं, त्यौहार ही पूरा नहीं होता एक्चुअली। वही, एक तो नया साल, सर्दियाँ बंद हो जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है, फिर फार्मर्स के लिए एक नया साल होता है, उसके मतलब उसी से ये त्यौहार आते हैं। फार्मर्स और एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारे जितने भी त्यौहार हैं उसी से जुड़े हुए हैं। तो चैत्र महीना भी वही तभी शुरू होता है, गर्मी आ जाती है तो गर्मी के पहले दिन ही सब जो पूरनपोली होती है वो उस हिसाब से बहुत हीट देती है, तो वो खा लो, पचा लो रात को और सो जाओ, उसके बाद बाद में बारिश वारिश सब हो जाने के बाद अगले साल आपको खाने मिलेगा। आजकल तो सब कभी भी खा सकते हैं। और ये इतना शुभ माना जाता है ना कि कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ यश प्राप्त कर लो, अगर सक्सेस प्राप्त कर लो, तो उस दिन भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि गुड़ी उभार ली ऐसे बोलते हैं, तो ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और मराठी में 3.5 मुहूर्त होते हैं, हाँ। तो उसमें से ये पहला मुहूर्त है जिसपे बहुत अच्छा काम शुरू किया जा सकता है, घर लिया जा सकता है, बहुत सारे लोग गाड़ियाँ लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इसके लिए भी गोल्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, राइट। मुझे लगता है मैं एक चैनल खरीद लूं। नहीं, हमारे यहाँ पे रिचुअल है कि आप 1 ग्राम क्यों ना हो लेकिन सोना खरीद लो, ये बहुत ही शुभ दिन है, तो उस दिन बहुत अच्छा कुछ ना कुछ तो काम करो, अच्छा कुछ खरीद लो, लक्ष्मी खरीद लो, आप सोना खरीद के अपने पास रख लो, ऐसा एक माना जाता है, एक रिचुअल है हमारे यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा क्यों ना 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी पड़ता है तो वो सोना अपन ले लेंगे क्या। मैंने जैसे पहले ही कहा कि पहले मुझे वो कड़ू लिम्ब और गुड़ मुझे नहीं, और मम्मी वो खाए बिना पूरनपोली को हाथ ही नहीं लगाने देती थी, वो बोलती थी पहले ये खाओ तो ही दोपहर को पूरनपोली मिलेगी, और मुझे लगता था इतना कड़वा क्यों खाना है, इतने शुभ दिन पे क्यों खाना है। अरे वो होता है, साइंटिफिक रीज़न है उसके लिए, हमारी शुद्धिकरण होती है, अच्छा होता है, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है, हमने देखा है कि वायरल क्यों हो रहा है इतना सब, सर्दियाँ जब खत्म होती है और गर्मी शुरू हो जाती है तो वो बीच का पोर्शन है वो सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं, उसी के लिए इतना साइंटिफिक रीज़न अब जाके मुझे पता चला है कि हाँ, अब जाके मैं ढूंढती हूँ तो वो मिलता नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी गाँव में रहती है, तो फिर मैं जैसे तैसे वो गुड़ और नींबू का खा लेती हूँ, चाट लेती हूँ मैं, लेकिन बचपन से वो याद मुझे मेरी अभी तक जुड़ी है कि मुझे, मैं रोती थी और मम्मी बोलती थी नहीं इतनी सी गोली खाओ,
तो वो खाती थी और फिर मुझे पूरनपोली मिलती थी। मुझे मेरी तो जॉइंट फैमिली थी हमेशा से, तो मैं ऐसे घर में पला बड़ा हूँ जहाँ पर एक 20-25 लोग तो है ही, मतलब खाना पक ही रहा है, किचन कभी बंद ही नहीं हो रहा है, बाहर तो से मेहमान की जरूरत ही नहीं, नहीं 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 तो इतने लोग तो थे ही। और कैसे होता है कि जब कोई उत्सव होता है, जैसे गणेश उत्सव हो गया, होली हो गया, गुड़ी पाड़वा हो गया, ये एक स्पेशल दिन होता है ना, जिस दिन हम लोग हमारे पास के एक अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक ना अलग सा माहौल हो जाता है, एक दूसरे को बांध देते हैं ये सब त्यौहार। तो अभी काम के सिलसिले में हम लोग सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं, हम लोग भी बड़े हो गए, कहीं और रहते हैं जहाँ से अप डाउन थोड़ा इजी पड़ जाए, तो अभी ना वैसी मुलाकातें नहीं होती, वो सब लोग एक साथ नहीं आते। मैं अभी के दौरान इस त्यौहारों में वो जॉइंट फैमिली वाली फीलिंग थोड़ी मिस कर देता हूँ। देखो ये तो ट्रेडिशनल होता है एक्चुअली, और ये होता ही है, मतलब नया कुर्ता जब्बा पहनना है, बीवी को नई साड़ी पहनना है, बच्चे लोग को नया कुर्ता पहनना है, तो ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट इस बारे में होती ही है। दिवाली और गुड़ी पाड़वा हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं और क्या है यात्रा रैली।, रैली रैली तो रैली में शामिल हो जाते हैं, शोभा यात्रा बोलते हैं हमारे में, तो नए कपड़े तो होंगे जरूर। मतलब हम औरतों का तो दूसरा एक स्ट्रैटेजी होती है, चाहे जितनी भी हम साड़ी खरीद दे, एक साड़ी ऐसी होती है कि हम पहले से ये ना मैं गुड़ी पाड़वा के दिन पहनूंगी, हाँ, वो तय रहता है। मतलब ऐसे नहीं कि गुड़ी पाड़वा आ रहा है तो दो दिन पहले खरीद ली, नहीं, मतलब एक पार्टी वाली साड़ी होती है, एक शादी वाली साड़ी होती है, बहुत सारी साड़ी होती है, लेकिन एक हम निकालते हैं जो हनी गुड़ी पाड़वा, एक गुड़ी पाड़वा वाली होती है और एक मकर संक्रांत वाली होती है, एक काली पैठनी तभी चाहिए होती है, और इस टाइम पे गुलाबी वगैरह टाइप की थोड़ी सी क्या बोलते ऐसा अच्छा कलर, एक ब्राइट कलर वाली साड़ी चाहिए होती। सब शोभा यात्रा में रैली में मैं और एक नया अभी शुरू हो गया है ट्रेंड कई सालों से कि लेडीज फेटा बेटा बांधती है और बाइक पे बाइक राइड कर लेती है, गौगल, ये एक गॉगल पहनकर ऐसे एक रैली होती है।